हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैक्स किचन। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी, आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मैं आज अप्पे की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन मैं रेगुलर अप्पे ना बनाकर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए चॉकलेट अप्पे बनाऊंगी। सुनने में ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, खाने में भी ये उतने ही टेस्टी होंगे। तो चलिए देख लेते हैं चॉकलेट अप्पे बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। एक कप डोसा बैटर, इस बैटर में मैंने 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अप्पम में फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट के ऐसे 3 स्लैब्स लिए हैं। आपके पास जो भी चॉकलेट अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच देसी घी। तो चलिए चॉकलेट अप्पम बनाना शुरू करते हैं। अप्पम बनाने के लिए हमें एक अप्पम पैन चाहिए। सबसे पहले मैं अप्पम पैन को गर्म कर लूँगी। अब मैं इसको एक ब्रश की हेल्प से थोड़ा ग्रीस कर दूँगी। आप चाहे तो देसी घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब 1 स्पून की हेल्प से मैं इसमें डोसा बैटर फिल करूंगी। ध्यान रखें कि इसको पूरा ना भरें, आधे से थोड़ा कम ही भरें, क्योंकि हमें इसमें चॉकलेट भी फिल करनी है। एक स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको थोड़ा स्प्रेड कर दूंगी। अब मैं चॉकलेट का एक एक पीस इसमें रखती जाऊंगी। ये प्रोसेस थोड़ा आपको फास्ट करना है। अब दोबारा से इसके ऊपर मैं डोसा बैटर फिल करके इसको कवर कर दूंगी। अब एक ढक्कन से इसको कवर कर दूंगी। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, या जब तक ये नीचे से सिक नहीं जाते। चेक कर लेते हैं, ये नीचे से थोड़े सिक गए हैं। अब मैं इसके ऊपर इस साइड भी थोड़ा घी लगा दूंगी और अब इसको पलट दूंगी। ये देखिए, दूसरी साइड भी इसको 1 मिनट के लिए पकने दूंगी। दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं, इस साइड से भी ये सिककर तैयार हो गए हैं। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। बाकी अप्पम या अप्पे भी इसी प्रकार से बनाने हैं। चॉकलेट अप्पम बनकर तैयार हो गए हैं। मैं इसमें से एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, चॉकलेट बिल्कुल इसके सेंटर में है। इनको आप गर्मा गर्म ही परोसें। इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट सॉस डाल दूंगी। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं, तो आप इसे अपने घर पर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।